प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों में गुलाल भेंट कर सकता हूं। अवश्य नंदी, क्यों नहीं कर सकते। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। कैलाश पर सब प्रसन्न है, आनंदित है, इसीलिए मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। देवराज, देवगण, देवियों, आप सभी को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे हम सभी कब से। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ऐसा ही समझ लीजिए कि हमारे मार्ग में कोई कठिनाई आ गई थी, किंतु हम यहां पहुंच ही गए और हम सब कुशल हैं। अब तो वसंतोत्सव है और उसका आनंद है, और हम सभी होली खेलने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए ये सब छोड़िए, होली है, रंग उत्सव का आनंद लेते हैं। देवगण, देवगण, रुक जाइए, मैं भी आ गया। हर हर महादेव, होली है। आज महादेव और माता पार्वती से भेंट करने की बहुत इच्छा हो रही है। वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिख रहा है उमा, तुम्हें आनंदित देख मैं भी आनंदित हूँ। आइए ना मामा जी, चलिए हमारे साथ आइए। अरे अरे अरे, परंतु कहाँ कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे। अरे अरे, चलिए ना मामा जी, अभी आपने हमारे साथ रंगों की क्रीड़ा ही कहाँ की है, चलिए ना। होली की क्रीड़ा? अवश्य इन दोनों ने कोई और योजना बनाई है। हाँ मामा जी, चलिए ना। नारायण, आपके भांजे इतना आग्रह कर रहे हैं तो उनका अनुरोध स्वीकार कर लीजिए ना। बालकों के साथ होली की क्रीड़ा का आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा कुबेर देव जी, तो आप ही इन दोनों के साथ होली के रंग से क्रीड़ा क्यों नहीं कर लेते, आप ही क्यों नहीं चले जाते। नारायण, मैं भयभीत नहीं हूँ, होली का अवसर है, थोड़ा रंग ही तो डालेंगे। उनका मन रखने के लिए मेरे जाने की आवश्यकता है तो मैं ही चला जाता हूँ। हाँ हाँ कुबेर देव जी, आप आइए, बहुत आनंद आएगा। कुबेर देव, सावधान रहिए, स्मरण है ना आपको, पूर्व में भी गणेश जी ने बहुत आनंद लिया था आपके साथ। नहीं नहीं, आज तो वसंत उत्सव है, आज तो मात्र रंगों की ही क्रीड़ा करेंगे गणेश जी। देवराज, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए गणेश जी, आप दोनों मुझ पर रंग डालेंगे तो मैं भी तो डालूंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा आप दोनों को। गणेश जी, कार्तिकेय जी। अवश्य कुबेर जी, अवश्य।
बुरा ना मानो, होली है। नारायण क्यों नहीं आ रहे थे इनके साथ? कुबेर देव जी, होली है। क्या हुआ कुबेर देव जी, आप तो इन दोनों के साथ होली का आनंद लेना चाहते थे, ले लिया आनंद। नारायण अब तो मेरे साथ परिहास मत कीजिए। आप तो बुरा मान गए, अभी तो इन दोनों ने कहा कि बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो होली है। होली है। माँ तो ऐसे ही खड़ी है, मैंने तो माँ पर रंग ही नहीं डाला, अब भी डालता हूँ। अब आनंद आएगा। ये क्या? माता अपने महाकाली रूप में? पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। उमा, क्या हुआ स्वामी? उमा, वसंत उत्सव की क्रीड़ा मात्र देवियों के साथ करोगी, मेरे साथ नहीं? बस अब मैं कैलाश पहुंचने ही वाला हूं, अब कुछ ही क्षणों के पश्चात मैं महादेव और माता के दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा। अवश्य करूंगी नाथ, होली की क्रीड़ा तो मैं आपके साथ भी अवश्य करूंगी। मेरा गुलाल स्वीकार कीजिए प्रभु। अब तो मैंने आपके साथ होली की क्रीड़ा कर ली ना प्रभु। Oh,
देश तो आज होली के रंगों से रंगा है। अभी हमारी होली कहां संपन्न हुई उमा? तुमने तो हमको गुलाब लगा दिया, हमने तुम्हें कहां लगाया? अभी बारी मेरी है। स्वामी के ऊपर भी वसंत उत्सव का रंग चढ़ ही गया आज। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। कौन है? ओ, क्षमा करें रिसीवर, महादेव वहां है माता के साथ। उचित है, माता पार्वती, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। ऋषि दुर्वासा यहाँ? ऋषि दुर्वासा, उन्हें अपमान किया आपने मेरा, अपमान किया आपने मेरा। बस महादेव, बस महादेव, बस अब और सहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। प्रत्येक बार कैलाश पर मेरा तिरस्कार ही होता है, अनेक बार प्रणाम करने के बाद भी आपने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। आपका ध्यान तो एक दूसरे पर ही रहा, और माता आप, आपके परम भक्त का इतना ही महत्व है। भगवान तो भक्तों से होते हैं, फिर कैसे भगवान है आप जो अपने भक्तों का सम्मान नहीं करते? आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए हो जाए। ये कैसा शाप दिया ऋषि दुर्वासा ने? इसका क्या परिणाम होगा? क्रोध का ऐसा अंतरिक्ष आपके जैसे तपस्वी को शोभा नहीं देता। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए। आप अपने क्रोध से ऋषिवर की क्रोध की ज्वाला में और घृत मत डालिए। आप दोनों का परम भक्त हूं मैं, इतने समय से मैं आप दोनों का अभिवादन कर रहा हूं। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव?
माता। ऋषि दुर्वासा शांत हो जाइए। नहीं नारायण, आज आप भी नहीं आएंगे एक भक्त और उसके भगवान के मध्य में। अपने आवेश में ऋषि पर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। मामा जी से भी क्रोधपूर्ण संवाद कर रहे हैं वो, ये उचित नहीं है। सत्य है, ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। महादेव और माता के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हूँ मैं। महादेव और माता का दर्शन मेरा अधिकार है, वही प्राप्त करने आया हूँ। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का आवेग तो बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ये पुनः महादेव को श्राप देकर कोई बड़ा अनिष्ट ना कर दे। ये कैलाश है, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का परम पावन निवास कैलाश, जहाँ आपके भक्त आपके दर्शन हेतु आते हैं, किंतु आपको भक्तों की चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके। ऋषि दुर्वासा, अपने क्रोध पर नियंत्रण कब पाएंगे आप? बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर कैलाश आकर आपने महादेव और मुझे इतना कुछ कह दिया, यहाँ तक के यहाँ से जाने की बात भी कह दी। आज इस शुभ दिवस पर हम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करेंगे। ऋषिवर, यदि आपकी ये इच्छा है तो यही होगा। तो यही। ऋषिवर, यदि आपकी ये इच्छा है तो यही होगा। तो यही होगा। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहां निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके। तो यही होगा। ये मेरे मुख से कैसे शब्द निकल गए? महादेव, मां, पिताश्री, माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण ये कैसा अनर्थ हो गया? महादेव और माता दोनों कहाँ अंतर ध्यान हो गए? माँ, महादेव और माता अपने चरण चिन्ह छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती, ये कैसा अनर्थ हो गया? जिसका मुझे भय था वही हुआ, किंतु कहाँ जा सकते हैं महादेव? माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? माँ, पिताश्री, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। हाँ, हाँ नंदी जी, जाइए जाइए। हम भी ढूंढते हैं महादेव। दीजिए प्रभु, कहाँ चले गए आप? हमें छोड़ के मत जाइए प्रभु, हमें छोड़ के मत जाइए। कहाँ चले गए महादेव? माता, महादेव।
आज वसंतोत्सव के शुभ दिवस पर कैसा अनर्थ हो गया। माँ, समय से माँ में आने वाले परिवर्तन को लेकर चिंतित था। मुझे आभास हो रहा था जैसे माँ कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है। तब पिताश्री ने मुझे समझाकर मेरी चिंता को शांत किया था, किंतु ये क्या हो गया? माँ और पिताश्री दोनों ही कहीं चले गए। अब हम क्या करेंगे? कहाँ गए होंगे वो? नंदी जी, क्या हुआ? नंदी, महादेव, माता भवन के भीतर नहीं है। मैंने समस्त भवन ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले। अर्थात पिताश्री और माँ दोनों ने ही कैलाश का परित्याग कर दिया। माता, ये कैसी भूल हो गई मुझसे? क्रोध उसमें मेरी कैसे कटु वचन बोल दिया। अब क्रोध त्याग कर दुर्वासा अपने पश्चाताप की अग्नि में तप रहे हैं। जिस भक्त के जीवा से ऐसे कठोर वचन सुनकर महादेव और माता को कैलाश त्याग के जाना पड़ा, उस भक्त को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऋषि दुर्वासा, रुकिए ऋषिवर। ऋषिवर, कितना विशाल है गणेश का हृदय। अपने दुख को परे कर वो ऋषि दुर्वासा को सांत्वना दे रहा है, उनके दुख को शांत कर रहा है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, आप लोग कैलाश पर वसंतोत्सव मना रहे थे, तो मैंने इस आनंदोत्सव को दुख के अवसर में परिवर्तित कर दिया। ये क्या कर दिया आपने ऋषिवर? आप जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई अनर्थ अवश्य घटता है। क्रोधावश आप किसी को श्राप दे देते हैं अथवा आपके कठोर वचनों से कोई बड़ी घटना घट जाती है। ऋषिवर, यदि मुझे तनिक भी आभास होता कि आप कैलाश की ओर निकल पड़ेंगे तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि हम कैलाश जा रहे हैं। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। गणेश जी, अपने प्राण त्याग दूंगा। जो होना था वो हो चुका ऋषिवर, अब विलाप करने का कोई लाभ नहीं। अब तो इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र उपाय है ये ज्ञात करना कि पिताश्री और माँ कहाँ चले गए। गणेश जी उचित कह रहे हैं, यही उपाय है मेरी भूल के सुधार का, मेरे पश्चाताप का। सभी ये मानते हैं कि ऋषि दुर्वासा की उपस्थिति से अवश्य कुछ घटित होता है, परंतु ये भी सत्य है कि उनके श्राप और कठोर वचनों में भी जगत कल्याण का कोई कारण छुपा होता है।
मामा जी, किंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? इनके श्राप और कठोर वचनों से भला किसी का भला कैसे हो सकता है? इनके कठोर वचनों के कारण ही तो माँ और पिताश्री अपने निवास स्थान कैलाश को त्यागने पर विवश हो गए। कुमार कार्तिके, मुझे ज्ञात है आप मुझसे कुपित हैं, किंतु जो नारायण ने कहा वो सत्य है। मैं ही हुआ भागा हूं जिसने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया था। किंतु उसके परिणाम स्वरूप संसार का कल्याण ही हुआ था। आपने अपनी ही पत्नी को शाप दिया था और उससे संसार का कल्याण हुआ था? कैसे ऋषिवर? अनुज गणेश, ये समय कथा सुनने का नहीं है। समय व्यर्थ करने के स्थान पर हमें माँ और पिताश्री को ढूंढना चाहिए, उन्हें कैलाश लौटाने का उपाय करना चाहिए। भैया, कदाचित इस कथा में ही हमारी समस्या के समाधान का कोई ना कोई उपाय छिपा होगा। हमें ज्ञात होगा कि ऋषिवर का क्रोध कल्याण कैसे करता है। संभव है इस कथा से हम समझ पाए कि आज जो भी हुआ उसका कारण क्या था और माँ और पिताश्री कहाँ चले गए हैं। उचित है, कहिए ऋषिवर। मेरी पत्नी कदली महर्षि औरव की पुत्री थी, जो धर्म परायण और पतिव्रता स्त्री थी। ये तब की घटना है जब मैं वन के मध्य में एक दिवस अपने तप स्थल पर जगत की समृद्धि और शांति के लिए यज्ञ कर रहा था। उसी अंतराल मध्यान्ह में मैं विश्राम करने के लिए लेटा और निद्रा ने मुझे घेर लिया। घोर निद्रा के मध्य मेरी पत्नी कद्दी कब वहां आई मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। स्वामी की पूजा के लिए पुष्पादि ले आई हूँ मैं। उनके संध्या वंदन का समय होने ही वाला है। किंतु स्वामी कहाँ है? उनका आसन रिक्त क्यों है? ये क्या, मेरे जाने के पूर्व स्वामी विश्राम करने गए थे? संध्या वंदन का समय हो गया है किंतु उनकी निद्रा भंग नहीं हुई। यदि मैंने अभी इन्हें इनकी निद्रा से नहीं उठाया तो स्वामी का संध्या वंदन नहीं हो पाएगा, जो अनुचित होगा और कदाचित जिसके कारण इनका क्रोध मुझ पर बरसेगा। किंतु कदाचित स्वामी की निद्रा भंग कर उनके विश्राम में विराम डालने पर भी वो मुझसे क्रोधित होंगे। क्या करूं मैं? स्वामी को उनकी निद्रा से उठाऊं अथवा नहीं? संध्या वंदन पूजा और उसके उपरांत यज्ञ तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पूजा मेरे स्वामी ऋषि दुर्वासा के धर्म पालन के साथ साथ लोक कल्याण हेतु उनके यज्ञ के लिए भी आवश्यक है। मुझे स्वामी को निद्रा से जगाना ही होगा, फिर वो मुझ पर क्रोध ही क्यों ना करे। उनकी पत्नी होने के नाते मैं उन्हें अपना धर्म भंग करने नहीं दे सकती। स्वामी उठिए, उठिए स्वामी। स्वामी
स्वामी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, उठ जाइए स्वामी, उठ जाइए। कौन है जो मुझे मेरी निद्रा से जगाने का दुस्साहस कर रहा है? वो जो कोई भी हो, मैं उसे भस्म कर दूंगा। स्वामी, कगली, स्वामी, स्वामी। घोर अनर्थ हो गया कदली। मनुष्य का एक ही दोष उसे बार बार पछताने पर विवश कर देता है। क्रोध में आकर मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ। मेरे प्रति निष्ठावान, मेरे प्रति समर्पित मेरी पत्नी को मेरे क्रोध ने भस्म कर डाला। ऋषिवर, जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, किंतु इसमें किसी का कल्याण कहां? गणेश जी, ये समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। अपने क्रोध के कारण अपनी पत्नी को खोकर मैं बहुत ही शोकाकुल था और पुत्री, पुत्री कदली, कदली, पुत्री कदली। ऋषि अर्व, यहां बिना किसी पूर्व सूचना के। उत्तरी कदली, कहाँ हो? मैं अत्यंत व्याकुल था, अपनी पत्नी की भस्म से दूर नहीं जा पा रहा था। और उसी समय कदली के पिता ससुर श्री ऋषि और वो अपनी पुत्री से भेंट करने वहाँ आ गए। अरे देखो, मैं आया हूँ तुमसे मिलने। बेटी कहाँ हो? ऋषि दुर्वासा, मैं ससुर श्री से कैसे कहूँ कि मैंने क्रोध वश में उनकी पुत्री को भस्म कर दिया। मेरे अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, किंतु एक पिता अपनी पुत्री का एहसान देखकर कैसे सह सकेंगे? कहीं वो ये सुनकर अपना ही कोई अनिष्ट कर बैठे तो? मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। एक पिता को कैसे बताऊं कि मेरी क्रोधाग्नि से उनकी पुत्री और मेरी पत्नी भस्म हो चुकी है। प्रणाम ऋषि दुर्वासा, मैं अपने तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। मार्ग में आपका तपोस्थल भी पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रिय पुत्री कदली से भेंट करता चलूं। कहां है पुत्री? दिखाई नहीं दे रही है। ऋषिवर के प्रश्न का क्या उत्तर दूं मैं? क्या हुआ ऋषि दुर्वासा, कोई बात है क्या? सब कुशल तो है? ऋषि दुर्वासा, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। पुत्री कदली, कहां है मेरी पुत्री? कहाँ है मेरी पुत्री कदली, बताइए। ऋषिवर, आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली यहां है? यह क्या कह रहे हैं ऋषि दुर्वासा? ये भस्म अर्थात कदली नहीं। ऋषिवर, मैं गहरी निद्रा में था। Oh,
कभी कभी मेरे क्रोध के कारण ये घोर अनर्थ हुआ है ऋषिवर। अपराधी मैं हूं, ये मेरा अपराध है ऋषिवर। दंडित कीजिए मुझे, शाप दीजिए मुझे ऋषिवर, शाप दीजिए। शाप दीजिए मुझे ऋषिवर। मैं आपको शाप नहीं दूंगा ऋषि दुर्वासा। आइए, आप में और मुझ में यही भेद है। आप मेरे अपराधी हैं, पर फिर भी मैं आप पर क्रोध नहीं करूंगा, जबकि आप तो बिना अपराध के भी किसी को भी शापित कर देते हैं। किंतु आपके क्रोध में भी ईश्वर की किसी परम इच्छा का संकेत छिपा है। आपके क्रोध के माध्यम से वो अवश्य ही संसार का कल्याण कराना चाहते हैं। मेरे क्रोध, मेरे श्राप में जगत कल्याण छिपा है? क्रोध आपका दोष अवश्य है ऋषि दुर्वासा, फिर भी आप एक महान ऋषि हैं। निष्ठा, भक्ति, तपस्या, अनुष्ठान में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जगत जननी के महानतम भक्तों में आपकी गिनती होती है। इसीलिए आप अपने तप की शक्ति से इस शाप को भी मेरी पुत्री और अपनी पत्नी के लिए वरदान में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उचित है ऋषिवर। देवी कदली को अपने अनेकों जन्मों के पुण्य के कारण महाफल प्रदान करने वाली वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा फल जो प्रत्येक पूजा और यज्ञ का भाग बनेगा, जो समस्त जीवों को संपूर्ण पोषण देगा, और ये मेरे वरदान के कारण होगा। देवी कदली, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम कदली फल के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। आज से यह फल कदली फल के नाम से विख्यात होगा और कोई भी पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाएगी। इतना ही नहीं, कदली फल समस्त मनुष्यों के लिए संपूर्ण भोजन बनेगा, जो सरलता से उपलब्ध होगा और सभी के भूख को दूर कर त्वरित ऊर्जा प्रदान करेगा। ऋषिवर का शाप तो जग के लिए वरदान बन गया। जगत को एक ऐसा फल मिला जो हर पूजा के लिए आवश्यक है। आशा है ऋषिवर के इस क्रोध का भी अब कोई ऐसा ही फल मिलने वाला है। किंतु इस समय महत्वपूर्ण ये है कि पिताश्री और माँ है कहाँ? कहाँ चले गए दोनों? प्रत्येक घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, इसलिए भयभीत होकर नहीं, धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।